कि आरजेडी की ओर से जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है गठबंधन बनाते समय, वह डील आखिर है क्या? अगर है डील तो मुख्यमंत्री जी कहें कि वास्तव में डील है, कुछ कमजोर या पार्टी बर्बाद होगी तो इतने लोगों का मान ध्वस्त होगा ना। वह तो पत्र में साफ साफ हमने लिख दिया, हम लगातार पार्टी की मजबूती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमने लगातार कहा है कि लोगों के मन में, आम जनता के मन में भी और पार्टी के साथियों के मन में भी जबरदस्त कंफ्यूजन इस बात का है कि आरजेडी की ओर से जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है गठबंधन बनाते समय, वह डील आखिर है क्या? अगर है डील तो मुख्यमंत्री जी कहें कि वास्तव में डील है, और नहीं डील है तो इस बात का खंडन हो कि आरजेडी के लोग गलत बोल रहे हैं, तो यह सवाल। बाकी हाल के दिनों में जिस तरह से पार्टी उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन हुआ या बाकी चीज जो हम देख रहे हैं, उसके आधार पर पार्टी रोज कमजोर हो रही है। पार्टी की कमजोरी से पार्टी को उबारने के मकसद से हम जो लगातार बोल रहे हैं, इस पर जब नहीं ध्यान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी की ओर से, तो हमने कहा है पार्टी के साथियों से कि आइए विमर्श कीजिए, बैठिए, इस परिस्थिति से पार्टी को कैसे उबारा जा सके। सब पहला दो धड़ा कर रहे हैं जेडीयू के, क्योंकि जेडीयू का जो धड़ा आपके पास आएगा इसका मतलब कि वो नीतीश कुमार से विचारधारा से सहमत नहीं है। देखिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, इसको गलत अर्थ में मत ले जाइए। यह पार्टी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों न हो या कोई भी नेता, निजी संपत्ति पार्टी नहीं है, पार्टी सबकी है। पार्टी करोड़ों लोगों की पार्टी है जिनके अरमान इस पार्टी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जिसमें लव कुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और सामान्य जात के भी लोगों की एक बड़ी संख्या इस पार्टी के साथ शुरू से जुड़ी हुई रही है। तो इतने लोगों के अरमानों की पार्टी, या पार्टी बर्बाद होगी तो इतने लोगों का अरमान ध्वस्त होगा ना, और ध्वस्त हो रहा है। इसलिए मेरी चिंता का विषय है कि यह पार्टी कैसे बचे ताकि उन लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। तो इस दृष्टि से हम नहीं, पार्टी के तमाम लोग चिंतित हैं, और इसी चिंता पर चिंतन करने के लिए हमने बैठक बुलाई है, इसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं। सर एक सवाल है कि जो पहला लाइन है खत्म का पत्र का, उसमें आपने लिखा कि अपने अंतिम आंतरिक कारणों से रोज रोज कमजोर होती जा रही है पार्टी। हाँ, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जदयू उपेंद्र कुशवाहा को एक डूबता हुआ नाव लग रहा है और आप उस नाव को छोड़ना चाह रहे हैं? देखिए हम छोड़ना नहीं चाह रहे, छोड़ना चाहते तो इस तरह से एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी? किसी को छोड़ना हो तो आज कह देगा कि हम छोड़ दिए। छोड़ने जैसी बात बिल्कुल नहीं है, हम तो सचेत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ताकि हमारे नेता मुख्यमंत्री जी समझ पाए चीजों को और इसको ठीक करने के लिए स्टेप। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।